हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल वेस्टीज मावज पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में चाहे वो स्किन के केयर की बात करें या फिर हमारे हेयर केयर की बात करें या ओवरऑल हेल्थ की। जैसा कि विंटर जान एक तरीके से जा ही चुकी है या फिर जाने वाली है, थोड़ी बहुत जो भी बची है, और समर आने वाली है, जहाँ पर विंटर जो है ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े करती है, वहीं समर आते आते जिनकी ऑयली स्किन है उनकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, चाहे वो एक्ने से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या ओपन पोर्स की या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। खासकर जो एक्ने प्रॉन जिनकी स्किन होती है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समर के आने, क्योंकि समर में जो सीबेसियस ग्लैंड है उनसे ऑयल की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उनका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पलूटेंट होते हैं इन्वायरमेंट में या जो भी डर्ट होती है उसके साथ वो ऑयल मिक्स होकर के सीबम में कन्वर्ट हो जाता है। जब सीबम में कन्वर्ट हो जाता है वो कहीं ना कहीं पोर्स में जाकर के जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जर्म्स और बैक्टीरिया जो होते हैं वो पनप जाते हैं और उसकी वजह से पिंपल्स या एक्ने जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो खासकर जिनकी ऑयली स्किन है तो उन्हें समर में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपनी क्लीनिंग पर, उनकी स्किन को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने डेली लाइफ में क्लीनिंग को इम्पोर्टेंस देना, जितनी ज़्यादा देंगे वो उतनी ही ज़्यादा इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो क्लीनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है, जिसका नाम है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं क्लीनिंग का, वो है फेस वॉश। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है फेस वॉश। फेस वॉश में भी हम तीन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे कि फेस वॉश होता क्या है और फेस वॉश हमें चुनते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है या हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा फेस वॉश सुटेबल है। फिर थर्ड हम देखेंगे कि जिनकी ऑयली स्किन है उनको कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी है और बेस्ट उनके लिए कौन सा फेस वॉश होगा। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वेस्टीज मावज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन प्रेस जरूर से कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आज का वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो एक फेस वॉश होता क्या है? यूजली एक फेस वॉश एक जेल बेस्ड और हाइड्रेटेड और सोप फ्री क्लींजर है, जो हमारे स्किन को बाहरी और अंदरूनी तरीके से क्लीन करता है। बाहरी और अंदरूनी तरीके का मतलब हो गया हमारी अपर लेयर्स और जो अंदर की लेयर्स है स्किन को, उनको क्लीन करता है। इसके साथ साथ डर्ट पॉल्यूशन को दूर करता है, सीबम को जमने नहीं देता है, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम या फिर अनइवन स्किन या कई बार होता है कि टैनिंग होती है तो टैनिंग को रिमूव कर सके, तो उसे बोलते हैं एक फेस वॉश। एक अच्छे फेस वॉश को चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जनरली जब हम कंसर्न होते हैं अपनी स्किन को लेकर के या कंसर्न की बात आती है स्किन से रिलेटेड, तो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक होता है कि हमारे पोर्स ओपन ना हो, पोर्स हो गया, पिगमेंटेशन हो गया और पिंपल्स, ये कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे फेस पर पिंपल्स या ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो या पिगमेंटेशन आए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी क्वालिटी का फेस वॉश हम कैसे चुने तो उसको जानते हैं। एक जब भी हम मार्केट में बहुत सारे फेस वॉश हैं तो जब भी हमें कोई एक अच्छे फेस वॉश का चुनाव करना है तो हमें उसमें ये देखना है कि जो फेस वॉश हम खरीद रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ बाहरी तरीके की जो डर्ट या पॉल्यूशन है उनको ही क्लीन ना करे या जो इम्प्योरिटी जो हमारे सिर्फ अपर लेयर पे ही है उनको ही क्लीन ना करके, बल्कि अंदर की जो लेयर्स है उनकी उनसे भी इम्प्योरिटीज को बाहर निकाल पाए। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जो ऑर्डिनरी फेस वॉश होते हैं वो अपर लेयर को तो क्लीन कर देते हैं, लेकिन जो पोर्स के अंदर डर्ट है, जो कलेक्टिव फॉर्म में, जो ठोस फॉर्म में जमा हो गया है पोर्स में, वो बाहर साफ नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम फेस वॉश का चुनाव करें तो वो दोनों तरीके से क्लीन कर सके। सेकंड, जब भी हम कोई भी फेस वॉश परचेज कर रहे हैं तो उस समय इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि उसके इंग्रेडिएंट क्या हैं।
कई बार हम बिना इंग्रेडिएंट देखे हम फेस वॉश ले आते हैं और फिर पता चलता है कि बाद में उसने हमारी स्किन को खास कर दिया या फिर हमारा जो नेचुरल ऑयल है वो कहीं ना कहीं वो चुरा लेता है और एक डलनेस आ जाती है स्किन पर। तो उस समय हमें ये जरूर देखना है कि इस फेस वॉश में कंटेंट क्या क्या है, वो हमारे इस जो फेस की जो स्किन है उसके ऑयल को कंट्रोल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या उसके पीएच को मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। थर्ड हमें ये देखना है कि जो फेस वॉश हम यूज कर रहे हैं या जो हम खरीद रहे हैं उसमें केमिकल तो नहीं है या पैराबिन वाला कोई भी फेस वॉश तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फेस की स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और सेंसिटिव होने की वजह से यदि हम केमिकल वाला कुछ भी यूज कर रहे होते हैं तो वो हमारी स्किन को खराब कर सकता है और उसके हमें बेनिफिट की बजाय उसके बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो जो भी फेस वॉश हम चुने वो जेंटली तरीके से और सॉफ्टली तरीके से स्किन को क्लीन करें और साथ साथ में हमारे जो पोर्स हैं उनको ब्लॉक नहीं करें और इम्प्योरिटीज को अच्छे से बाहर साफ करके लेकर के आए और जेंटली तरीके से क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब यदि बात करते हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो ड्राई वाले जिनकी स्किन है उन्हें बिल्कुल से भी भूल करके भी जो अल्कोहल बेस्ड हमारे फेस वॉश होते हैं उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। उन्हें यूज करना है क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड जो फेस वॉश है उनका यूज करना है। और जिनकी स्किन ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन वालों को क्रीम बेस्ड और ऑयल बेस्ड फेस वॉश का चुनाव बिल्कुल भी नहीं करना है। उन्हें यूज करना है जिनमें वाटर कंटेंट अधिक हो या जो जेल बेस्ड हो। अब बात आती है कि हमें जो ऑयली स्किन वाले हैं जिनको समर स्टार्ट होने के साथ ही और ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है या जिनकी स्किन प्रोन पिंपल्स प्रोन वाली जो स्किन होती है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको किस तरीके का फेस वॉश चुनना चाहिए और कौन सा बेस्ट होगा उनके लिए? तो यदि जैसे जैसे समर्स आती हैं तो उसके साथ होता क्या है कि जो ऑयल ग्लैंड है वो फेस पर एक्टिव हो जाती है और ऑयल का बहुत ज्यादा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पोर्स होते हैं वो लगातार ऑयल का जनरेशन करने की वजह से वो लार्ज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और पोर्स ओपन होने की वजह से वो एक रोम चिप की तरह दिखने लगते हैं जो हमारे फेस पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, यानी कि ओपन पोर की प्रॉब्लम हो जाती है। जब पोर ओपन हो जाएंगे तो उसके साथ साथ क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में डर्ट और पॉल्यूशन है वो धीरे 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 करके ऑयल के साथ मिक्स हो करके उन पोर्स को बंद करना स्टार्ट कर देता है। जब वो पोर्स बंद हो जाते हैं तो उसमें जो कलेक्टिव फॉर्म का मतलब हो गया सॉलिड फॉर्म में वो डर्ट और पॉल्यूशन वहां जम जाते हैं, जिन्हें निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो उस कंडीशन में हमें एक ऐसे फेस वॉश का चुनाव करना चाहिए जो जो कलेक्टिव फॉर्म में जो सीबम इकट्ठा हो गया है पोर्स के अंदर वो क्लीन हो सके। और उसकी वजह से कई बार होता है वो सीबम जमा होने की वजह से जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया वो भी पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम या एक्ने की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, ब्लैक हेड आ जाते हैं हमारे नाक वाले एरिया पे आ जाते हैं या यहाँ ओपन पोर्स की प्रॉब्लम इस एरिया पे ज्यादा दिखाई देने लगती है। तो वो बैक्टीरिया ना पनपे तो हमें जो फेस वॉश का जो चुनाव करना है एक तो जेल बेस्ड होना चाहिए, दूसरा जो है एंटी बैक्टीरिया एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से भरपूर होना चाहिए जो हमारे स्किन की अपर लेयर और इनर लेयर दोनों को ही क्लीन कर सके। तो हम जो सजेस्ट करना चाहेंगे ऑयली स्किन वालों के लिए फेस वॉश वो है वेस्टीज का एश्योर क्लेरिफाइंग फेस वॉश। एश्योर क्लेरिफाइंग फेस वॉश इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि ये कैरेट और नीम सीड ऑयल बेस्ड की खूबियों के साथ है और ये जेल बेस्ड है जो और साथ साथ ये हमारे फेस के पीएच को भी मेंटेन करता है, ऑयल कंट्रोल बहुत अच्छे से करता है और ये हमारे जो लेयर्स होती हैं इनर और आउटर लेयर्स को भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। जो पोर्स के अंदर सॉलिड फॉर्म में गंदगी जमा हो गई जिसको हम बोल सकते हैं सीबम, उसको भी क्लीन करता है। क्लीन करने के बाद पोर्स में वापस जो है सीबम को जमने नहीं देता है, क्योंकि इसमें कैरेट एंड नीम ऑयल बेड्स
पाए जाते हैं जो एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के साथ भरपूर होते हैं। तो वो जनरली क्या करते हैं कि पिंपल्स और जो बैक्टीरिया जो जर्म्स होते हैं उनको मारने का काम करता है और पिंपल्स ऐसी या इतनी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आ पाती है। थर्ड इसकी यदि बात करें क्लेरिफाइंग फेस वॉश की, तो ये कैरेट और नीम बेस्ड होने की वजह से ये अच्छे से पोर्स को क्लीन करके उन्हें वापस सीबम को जमने नहीं देगा। इसके अलावा जो क्लेरिफाइंग फेस वॉश में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे विटामिन बैट्स भी इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, सी हो गया, ई हो गया, और प्रो विटामिन B5 की अच्छाइयों के साथ है, जो हमारे स्किन को नरिश भी करेगा, उसके पीएच लेवल को भी मेंटेन करेगा। पीएच लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ एक ऑयल को कंट्रोल करेगा और साथ में जो नेचुरल ऑयल है उसको जाने नहीं देगा, एक रेडियंट ग्लो फेस पर लेकर के आएगा। इसमें पाए जाने वाले कैरेट्स और नीम बैट्स क्या करते हैं कि जो स्किन पे कई बार स्पॉट्स होते हैं या पिगमेंटेशन भी होते हैं उनको भी लाइट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हम रिकमेंड करेंगे जिनकी स्किन ऑयली है या जिनकी स्किन कॉम्पैक्ट स्किन वाले हैं तो वो वेस्टीज का एसओ क्लेरिफाइंग फेस वॉश का यूज करें। जो बेस्ट ऑप्शन है इसके साथ अब चलो देखते हैं कि इसको यूज करने का क्या तरीका है। इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक्चुअली हमारे पास पुरानी पैकिंग है, अभी हमने न्यू पैकिंग को ओपन नहीं किया है। तो इसको इसके बिल्कुल जितनी हम लेते हैं एक पी मतलब हो गया मटर के दाने के बराबर हमें इस फेस वॉश को लेना है। इसमें आप देख भी रहे होंगे कि कैरेट बेड्स आपको दिखाई दे रही होंगी, कैरेट बेड्स इसमें दिख रही हैं। और हमारा जब फेस को हमें गीला करना है, गीला करने के बाद जब गीला फेस है उसी पे ही इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे करके रब करना है, 5 मिनट तक रब करना है। ऐसा नहीं जैसे लगाया हमने तुरंत ही वॉश कर दिया, क्योंकि लगाने के तुरंत बाद यदि आप धो देंगे तो इसके जो बेड्स पड़ी हैं उनका कोई यूज नहीं होगा और फिर आपको फेस वॉश लगाने की का भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको 5 मिनट तक रब करना है, जब तक ये जो बेड्स है ये डिजॉल्व नहीं हो जाती है तब तक इनको रब करना है। ये अपने आप में ब्लास्ट हो जाएंगे और आपके स्किन में एक नेचुरल मॉइस्चराइजर को मेंटेन करेंगे, आपके ऑयल को कंट्रोल करेंगे, आपके स्किन के पीएच को मेंटेन करेंगे और एक रेडिएंट ग्लो लेकर के आएंगी। तो इस तरीके से हमें यूज करना है। तो आज का वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हम तक अपने कमेंट्स के थ्रू जरूर पहुंचाइए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।